बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इट इज़ आल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। इट इंक्लूड द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, अ रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर। दीज असेसमेंट्स आर कंडक्टेड बाय टीचर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू मॉडिफाइंग टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज टू इम्प्रूव students attainment. Therefore, it helps students identify their strength and weaknesses and targets areas that need work. So, formative assessment जो है वो formal भी होती है और informal भी होती है। इसमें जो वर्बल टेस्ट भी लिया जा सकता है, इन वर्बल भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकती है, क्लास के अंदर होमवर्क चेक हो सकता है। ये जितने भी असेसमेंट हैं वो या जितने भी एक्टिविटी हैं वो सारी की सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो एक लेसन पढ़ाया जाता है उसका अगले दिन जो टीचर है उसके बारे में स्टूडेंट से सवाल करता है, उससे पूछता है। इससे उसे आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कितनी समझ आई है और कितना वो इजी फील कर रहे हैं, या उसको अपने लेसन प्लान में चेंजेस करनी चाहिए, या बच्चों को मज़ीद वजाहत के साथ पढ़ाना चाहिए, या कोई और जो मेथड है टीचिंग का उससे हट कर जो वो उससे पहले उसने जिस मेथड के तहत पढ़ाया है उसको चेंज करके वो देखता है। इससे बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है या उसमें बेहतरी आती है, उसकी एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट आती है। तो बेसिकली स्टूडेंट को जो ऑब्जेक्टिव लर्निंग है, जो जो जिस मकसद के लिए वो उसको तैयार किया जा रहा है वो बेहतर तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सके। इसके अलावा इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके ज़रिए बच्चों की स्ट्रेंथ, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का पता चलता है, स्टूडेंट की वीकनेस का पता चलता है कि वो किस एरिया में ज़्यादा वीक है या स्ट्रेंथन है। उसको मैथ अच्छा आता है, उसको उर्दू अच्छा आता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा है, या अदर जो एक्टिविटी हैं ये ड्राइंग्स वगैरह है या उनमें उसकी जो इंटरेस्ट ज़्यादा है, इससे इसका पता चल जाता है। आई थिंक आप लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट की सादा लफ्ज़ों में समझ आ गई होगी। थैंक यू।